कि G20 डेलीगेट्स 1 तारीख से लेकर 3 तारीख तक दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में विजिट करेंगे, मीटिंग करेंगे। तो 1 तारीख को इन लोगों का जो अभी तक हमारे पास आया है, तो ये इनका जो मीटिंग है वो 1 तारीख चियाकुटी में होगा। तो चियाकुटी में होगा, इसलिए हमारा जितना भी डाइवर्शन है, जो भी हमारा प्लानिंग है, वो पंखाबारी रोड हम लोग यूज उन लोग वो लोग यूज करेंगे। तो पंखाबारी रोड में थोड़ा बहुत रोड रेस्ट्रिक्शन हम लोग करेंगे। जितना भी गाड़ी होगा वो NH55 काशियान की तरफ, NH55 एंड रोहिणी रोड यूज करने के लिए हम लोग बोले हैं। और बाकी जो दार्जिलिंग वाला गाड़ी है उनके लिए भी हम लोग बोले हैं कि ये अगर अच्छा होता कि ये लोग मिरिक से आएंगे, तो ये हम लोग रिक्वेस्ट करे हैं। जितना भी हमारा सिंडिकेट है सबको बोले हैं, जो सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग आएंगे एंड दार्जिलिंग से सिलीगुड़ी जाएंगे, वो लोग अगर भाया मिरिक जाएंगे तो थोड़े बहुत हमारे लिए सुविधा होगा, क्योंकि उस दिन हमारा गवर्नर सर का भी आने का प्रोग्राम चल रहा है, अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन अगर गवर्नर सर आएंगे तो थोड़ा बहुत डाइवर्शन हम लोगों को उनके लिए भी करना पड़ेगा। बाकी 2 तारीख को उतना इशू नहीं है, क्योंकि 2 तारीख को मेन प्रोग्राम जो है वो इंडोर प्रोग्राम है उन लोगों का। 3 तारीख को मेनली जो हो रहा है, ये लोग सिलीगुड़ी मेफेयर से रवाना होके फिर दार्जिलिंग आएंगे घूमने के लिए। 1 डे टूर है, इन लोगों का मीटिंग है राजभवन में। तो पहले ये लोग घूम स्टेशन में आएंगे, घूम में ट्रेन बोर्डिंग करेंगे, टॉय ट्रेन बोर्डिंग करने के बाद फिर दार्जिलिंग स्टेशन में आएंगे। तो इसीलिए थोड़ा बहुत उस दिन रेस्ट्रिक्शन और डाइवर्शन हम लोग कर रहे हैं। हमारा जितना भी गाड़ी टुवर्ड्स सिलीगुड़ी एंड फ्रॉम सिलीगुड़ी टुवर्ड्स दार्जिलिंग होगा, सब भाया मिरिक, और कोई कोई अगर चाहेंगे तो भाया पेशोक भी जा सकते हैं। तो हम लोग कोशिश करेंगे जितना कम हो सके ये डाइवर्शन करने के लिए, क्योंकि तकलीफ होता है लोग को, घूम के जाना पड़ता है, तो टाइम भी ज़्यादा लगता है, उनका जो कॉस्टिंग है वो भी थोड़ा बहुत बढ़ जाता है। तो इसलिए जो टाइमिंग हम लोग जितना मिनिमम टाइम हम लोग डाइवर्ट करेंगे, और जिसका मानिए प्लेन पकड़ना हो, ट्रेन का हो, उनको भी पहले से हम लोग बोल दिया कि आप लोग आपका हाथ पे टाइम लेके निकलिए। और कुछ पार्किंग का भी इशू है, जैसे 40 to 50 व्हीकल कन्वॉय में रहेंगे शायद, तो ये घूम स्टेशन में भी हम लोग को एकोमोडेट करना है और दार्जिलिंग स्टेशन में भी करना है। तो उसी हिसाब से हम लोग प्लानिंग भी कर रहे हैं कि कैसे करेंगे। हम लोग ऑलरेडी हमारा अरेंजमेंट बना चुके हैं, हम लोग फोर्स डिप्लॉय करेंगे, ऑफिसर जो अच्छा वाला ऑफिसर है सब ऑफिसर उधर ही डिप्लॉय करेंगे। तो मेरे ख्याल से हम लोग ये उतना जाम नहीं होगा, धीरे धीरे हम लोग कंट्रोल कर पाएंगे ये पूरा। उस दिन के लिए कुछ सिंडिकेट को खास इंस्ट्रक्शन कुछ है क्या? हाँ, उस दिन के लिए हम लोग सिंडिकेट्स को बोल के रखे हैं, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम हो सकता है थोड़ा बहुत जैम के, थोड़ा बहुत रेस्ट्रिक्शन के लिए गाड़ी स्लो मूवमेंट हो सकता है जितना भी ट्रैफिक है। तो इसीलिए हम लोग उन लोगों को पहले से ही बोल दिया कि आप लोग प्लानिंग करिए उसी हिसाब से। मतलब वो लोग उस दिन दार्जिलिंग के अंदर में जितना टूरिस्ट स्पॉट है वो नहीं देख के, अगर थोड़ा बहुत बाहर के तरफ जैसे जो आउटसाइड करते हैं, आउटसाइड टूरिस्ट को लेके घूमते हैं, तो हम लोग वही उन लोगों को रिक्वेस्ट किया अगर हो सके तो उस दिन थोड़ा बहुत बाहर घूम के आए। क्योंकि हमारा जो टाइमिंग है सुबह वो 9-10 से लेके शाम को 3:30-4 बजे तक ही हम लोगों का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम रहेगा, उसके बाद वो लोग आराम से आ सकते हैं। सर, ये आप लोग पेट्रोल पंप को लेकर के कोई मीटिंग कर रहे थे, उसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। हाँ, आज एक पेट्रोल पंप को लेकर भी थोड़ा एक हमारा मीटिंग था छोटा वाला। एक्चुअली बात यह है कि हमारे इधर के जितना भी पेट्रोल पंप है वो दिन में खुला रहता है, सुबह 6:30-7 बजे से ये शाम को 6-7 बजे तक खुला रहता है। तो यहाँ पे जितना भी जाम होता है वो भी ये दिन में ही होते हैं। मतलब मानिए इधर पेट्रोल पंप है लेकिन उनका आगे पीछे जगह बहुत कम है। तो क्या होता है, ये सिंडिकेट्स का गाड़ी, दूसरा गाड़ी जो भी है, ये टाइम मिलाने के लिए एक ही टाइम में आ जाते हैं और पूरा जाम लग जाता है। तो और एक इशू है, ये जो पानी का ट्रक्स है जो रात को पानी देते हैं, ये लोग शाम को 5 बजे से शुरू करके सुबह 5, 5:30, 6 बजे तक पानी देते हैं। तो इन लोगों का मेन प्रॉब्लम है, जब ये लोग ट्रैवल करते हैं उस टाइम में पेट्रोल पंप खुला नहीं रहता है। तो इसीलिए हम लोग पेट्रोल पंप जितना भी है दार्जिलिंग का, वो रिक्वेस्ट किया है सबको कि ये अगर सुबह 5 बजे से अपना पेट्रोल पंप शुरू करते हैं, चालू करते हैं, ओपन करते हैं, तो क्या होगा, जितना भी ये पानी का गाड़ी और मानिए जो टूरिस्ट का गाड़ी है और सिंडिकेट्स का जितना गाड़ी है, यहाँ पे सब सुबह से ही काम में लग जाते हैं, यहाँ पे जो ट्रेंड्स है दार्जिलिंग का, तो सबको सुविधा होगा। और 8 बजे तक
जो फाका टाइम रहता है इसमें आपका जितना भी ज्यादा से ज्यादा गाड़ी तेल ले लेगा, तो क्या होगा जो ऑफिस टाइम है, स्कूल टाइम है, वो 8 बजे से शुरू करके आपको 11, 12, 1 बजे तक जो सबसे मैक्सिमम जैम रहता है, ये टाइम थोड़ा बहुत हल्का हो जाएगा। फिर उसके बाद ये लोग तेल ले लेंगे, फिर शाम को भी थोड़ा बहुत हमारा इधर प्रॉब्लम होता है कि सब गाड़ी सारा दिन ये अपना काम करने के बाद घर जाने के टाइम में तेल लेता है, तो उसी टाइम में हमारा थोड़ा सुविधा हो जाएगा क्योंकि ये ज्यादा टाइम खोल रहा है अभी पेट्रोल पंप। तो ये कब तक लागू रहेगा इस? एक्चुअली ये सब चल रहा है ये सीजन लेके, आपको दार्जिलिंग का एक स्पेशल टाइम होता है वो सीजन टाइम बोलते हैं हम लोग, उस टाइम में सब घूमने के लिए आते हैं दार्जिलिंग में, वेदर अच्छा रहता है, नीचे गर्म रहता है, स्कूल कॉलेज भी छुट्टी रहता है, HS हो जाता है, माध्यमिक हो जाता है, तो ये अभी जो आने वाला दिन है मतलब अप्रैल में जो आ रहा है ये इस पीक सीजन टाइम है इधर का। पीक सीजन टाइम में सबसे ज्यादा जैम होगा बाहर से, मतलब इंडिया के बाहर से भी, इंडिया से हमारा स्टेट से बहुत सारे लोग आएंगे विजिट करने के लिए, तो सबको मैनेज करने के लिए जाम कम हो हम कोशिश करेंगे, तो इसी का ये भी एक हिस्सा है।